हाय दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ गुपचुप। बच्चे लोग बोल रहे हैं गुपचुप खाएंगे मम्मी, गुपचुप खाएंगे। तो आज गुपचुप बनाने जा रही हूँ दोस्तों। मैं सूजी का गुपचुप बनाएंगे दोस्तों। देखिए, सूजी ले लिए हैं और एक कटोरी आटा ले लेंगे। इतना ही में बहुत ज्यादा बन जाएगा दोस्तों, बहुत बनता है। छोटा छोटा लोई बनाना पड़ता है और बहुत ढेर सारा बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है घर का गुपचुप। आज दो तीन दिन से मेरे बेटे बोल रहे थे जो गुपचुप बनाओ गुपचुप बनाओ। मेरे छोटा बेटा खाने पीने में बहुत शौकीन है दोस्तों, तो मैं बोली आज चलो बना ही देती हूँ। कभी भी गुपचुप का डो ना दोस्तों, मैं थोड़ा कड़ाक रखती हूँ। नरम डो लगाने से दोस्तों फिर गुपचुप मतलब नरम नरम बनता है, कड़क नहीं होता है। अब जितना ज्यादा टाइट रहेगा आटा इसका लगाएंगे उतना अच्छा खस्ता रहेगा, इसलिए ज्यादा गीला नहीं करती हूँ। तो ताकत लगा के इकट्ठा कर लेते हैं सबको। देखिए दोस्तों, ऐसे हार्ड एकदम ऐसे टाइट सान लिए हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, आटा सूजी है और इसको अच्छा से ढक देंगे आधा घंटा। देखिए दोस्तों, अब इमली देखिए ऐसे पैकेट में मिलता दोस्तों, यहाँ इमली गाँव में क्या है ऐसे मिल जाता है, खरीदना नहीं पड़ता। और देखिए यहाँ पर ऐसा खरीदना पड़ता है, तो ऐसे काट के इसका बीजा निकाल के मिलता है, तो ऐसे मंगाते हैं। तो इतना बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा। इतना डालेंगे इसको, पहले दो पानी से धो लेंगे दोस्तों, उसके बाद भिंगा देंगे। नून वगैरह जाता है वो धुल जाएगा। उसके बाद इसमें धीमे जाएगा, इसको रख दे रहे साइड में। देखिए दोस्तों, आलू उबाल लिए हैं गुपचुप के लिए। क्या है इसके बाद एक काम कर लेना ही अच्छा रहता है। और अभी आटा रोस्ट कर रहे हैं दोस्तों आधा घंटा, जब तक मैं आलू को पहले से छील ली थी और उबालने रख दी थी। आलू उबाल गया है, अब उसको निकाल लेंगे क्योंकि अभी ठंडा होगा। नया आलू है दोस्तों, तो छील के उबाली थी। देखिए दोस्तों, सबको निकाल ली हूँ। अभी मसाल देंगे, नहीं तो फिर नया आलू है दोस्तों फिर टाइट हो जाता है। गरम गरम में मसाल के रख देंगे तो अच्छा रहता है। देखिए दोस्तों, अब मसाल लिए हैं आलू को और रख देंगे ऐसे ठंडा होने के लिए, अभी बहुत ज्यादा गर्म है। अब देख लूंगी जो आटा है उसको मैं रेस्ट के लिए रखी थी वो कैसा है। देखिए दोस्तों, एकदम हार्ड है, ऐसे ही चाहिए। ज्यादा नरम हो जाने से दोस्तों फिर अच्छा नहीं बनता है गुपचुप, जो है ना नरम नरम लगेगा। मैं कई बार बनाई हूँ दोस्तों, मार्केट के खाने से महंगा भी पड़ता है। 10 का 4 ही देता है दोस्तों, कोई कोई 6 देता है। तो बच्चे लोग वैसे भी मेरे यहाँ का ज्यादा खाना पसंद नहीं करते, तो मैं कभी कभार बना देती हूँ बच्चे लोग के लिए। जैसे बहुत दिन से 2 साल से नहीं बनाई थी दोस्तों, तो अभी मेरे बेटा बोला था खाना है मम्मी, तो मैं बोली चलो बना देते हैं, सब कोई खा लेंगे। बच्चे लोग और भी बेटी भी है, और ये दोनों बच्चे भी खा लेंगे, तो घर में मैं बना रही हूँ। देखिए ऐसे मतलब ज्यादा गीला नहीं रहना चाहिए, ऐसे ही रखती हूँ मैं, तो इसमें बहुत अच्छा बनेगा। और इसमें छोटा छोटा लोई काट लेंगे,
पूरे को एक साथ नहीं करेंगे दोस्तों, आधा को ऐसे ढक के रख देंगे, एक एक ठो निकालेंगे, नहीं तो ये सूख जाएगा, क्योंकि ये सूजी है, बड़ा जल्दी सूख जाता है। और देखिए दोस्तों, इसका लोई बना लूंगी। देखिए दोस्तों, आ गई कालिया, और कैसे चिल्ला रही है, म्याऊ 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 कर रही है। अब उसको जो प्यार करो या खाने दो, ऐसी करता रहता दोस्तों, वो कभी भी आ जाते थे ऐसा। वो घूम गई थी दोस्तों, अब मिल गई, अपने से आ गया, पता नहीं कहाँ चले गए थे। उसका खाना कहाँ है? आ जा, आ खा लिया, आ खा लिया, आ हाँ। देखिए दोस्तों, ऐसी होता है, ये देखो दूध रखा हुआ है उसका पहले से, अभी थोड़ा देर पहले और आए थे। देखिए दोस्तों, आएगा खाएगा पिएगा और फिर कहीं निकल जाता है। चलो खा रहा है उसको, छोड़ो। देखिए दोस्तों, गुपचुप के ना ऐसे पहले ना बेल के और ये जो कपड़ा रखा हुआ है उसमें फैला देंगे, और वो परेशान करेगा दोस्तों। अब उसको ना गोदी में आना है और उसको सहलाना है। छोटा बच्चे से कम नहीं है दोस्तों एकदम, इसके कारण हम वो चिल्लाते ही रहेंगे। और देखिए दोस्तों, जितना बड़ा साइज चाहिए उतना ही बड़ा काटना है, ज्यादा छोटा काटने से भी एकदम छोटा छोटा बनेगा। हम इसको रख देंगे नीचे और एक एक करके सबको ऐसा बेल लेंगे। ज्यादा बड़ा भी नहीं बेलना है दोस्तों, और ज्यादा पतला भी नहीं। ज्यादा पतला भी करने से दोस्तों फिर ना वो एकदम पतला बन जाएगा। ऐसे बिछा देने हैं। देखिए दोस्तों, बेल लिए हैं, अब सबको तल लेंगे तेल में। तेल ज्यादा गर्म हो गया दोस्तों, अभी निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, पूरा बना लिए हैं, एकदम एक थाली बन गया। थोड़ा से मैं, देखिए बहुत सारा बन गया होगा, 100 से भी ज्यादा बन गया है, बहुत खस्ता बना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इमली जो भिंगाने के लिए रख दी थी, देखिए भिंग के ऐसा हो गया है। इसको ऐसे मसल लेंगे, अब इसका पानी बनाएंगे दोस्तों। गुपचुप तो बन गया और एकदम खस्ता खस्ता, पानी पूरी भी बोलते हैं, पुचका भी बोलते हैं उसको, गुपचुप भी बोलते हैं, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग बोलते हैं, हमारे यहाँ गुपचुप बोलते हैं दोस्तों। अब उसका पानी, इमली का पानी मेन है दोस्तों, इसको एकदम अच्छे से बनाने से बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए, इसको आसानी से फूलने दे दिए थे ना, तो जब आटा सान रहे थे उसी टाइम फूलने दे दिए थे, आटा सानने के बाद, तो अच्छे से एकदम भींग गया है पूरा बनने के बाद। पूरा सब चीज रेडी है दोस्तों, अब फटाफट बन जाएगा। बस गुपचुप बनाने में ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, पर जैसे टाइम लगता है दोस्तों, तो खाने में भी उतना ही मजा आता है। घर का बना हुआ तेल भी एकदम अच्छा रहता है, फिर वो आटा भी, फ्रेश आटा, सब चीज अच्छा रहता है। घर में बना के खाना चाहिए। मैं कभी भी, मेरे हस्बैंड जब थे तब, मतलब ना, वो बोलते थे बाजार से लाने से अच्छा तो घर ही में बना के खाए करो कोई भी चीज। तो अब मेरा छोटा वाला बेटा क्या है, मेरा तबियत थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ ना, तो बोल रहे हैं मम्मी बहुत दिन से आप
तबीयत खराब थी तो आप कुछ नहीं कर पाती हैं। आप जैसे ठीक हुई हूँ तो उसको खाने का शौक होता है दोस्तों, कुछ कुछ बना के खाएं पहले जैसा, तो मैं बना देती हूँ घर ही में। ऐसे भी घर में कम खर्चे में बन जाता है दोस्तों, बाजार से लाते हैं तो सिर्फ एक ही दो जन खा सकते हैं, और इसमें सब कोई खा के भी बच जाता है दोस्तों। दूसरा टाइम भी एकदम मन भर के खा सकते हैं, और बाजार से लाने से मन नहीं भरता है दोस्तों, एकदम थोड़ा सा आता है। अभी 20 का दोस्तों, 20 का सिर्फ कोई कोई जगह 8 ही देता है, कोई कोई जगह 6 देता है, कोई जगह 4 देता है, जैसा अच्छा जहाँ है। देखिए दोस्तों, इसमें छान लिए हैं जाली में, इसमें जो कचरा है इसी में रह गया। देखिए दोस्तों, इसमें पानी भी डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि धुल जाए ये अच्छे से। देखिए दोस्तों, अब ये धुल गया है, ज्यादा भी पानी नहीं बनाएंगे दोस्तों, चारी जन है, फिर वैसे में बच जाएगा, वेस्ट होगा। ऐसे फ्रिज में रख के दूसरे चीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो पानी। देखिए इसको अच्छे से निचोड़ लिया है, अब इसको साइड में रखेंगे। अब इसमें डाल देंगे, देखिए दोस्तों, बूंदी में फुला के रख दी थी, ये नमकीन बूंदी है दोस्तों, और इसको भिंगा के रख दिए थे। देखिए फूल गया अच्छे से। जो कढ़ी वगैरह में डालते हैं, मार्केट में मिल जाता है पैकेट में, वही है, साफ पानी में भिंगा के रख दी थी। अब देखिए दोस्तों, ये पुदीना जो है, धनिया पुदीना फ्रेश है धनिया, इसको भी इसमें डाल देंगे। ये पुदीना है, इसमें हरी मिर्ची को भी तोड़ के लाई थी दोस्तों, उसको भी डाल दी थी। थोड़ा तीखा तीखा पानी होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा चटपटा लगेगा। और देखिए इसको भी डाल दे रहे हैं, ज्यादा नहीं डालूंगी दोस्तों, ये मिर्ची बहुत ज्यादा तीखा है, जैसे फीका रहेगा तो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऊपर से डाल देंगे, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। अरे घर का पुदीना है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लेवर रहता है, तो इसको भी घर में मैं उगाई हूँ गमला में। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल देंगे, पानी डाल देंगे, और ये ना पानी में एकदम जान डाल देगा दोस्तों, तो बहुत टेस्टी लगेगा। अब इसको पीस लेंगे मिक्सी में। देखिए दोस्तों, पीस लिए हैं, इसलिए इसको भी अच्छे से छान लेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं डालेंगे, नहीं तो मुंह में फंसेगा। दबा दबा कर निकाल लेंगे दोस्तों। दोस्तों ये भी वेस्ट नहीं होंगे, इसमें धनिया पत्ती और पुदीना है। इसको दोस्तों, ये जो आलू का भरता रखा है उसमें मिक्स कर देंगे दोस्तों, ये पुदीना मिर्ची है और वो धनिया पत्ती है, वो उसमें भी स्वाद बढ़ा देगा। देखिए दोस्तों, एकदम ग्रीन हो गया पानी, पानी का कलर देखिए। और उसके बाद डाल देंगे इसमें जीरा और काली मिर्च को मैं पीस के रख ली थी, उसको मिक्स करेंगे दोस्तों, ये एकदम स्वाद बढ़ा देगा। आधा नमक नहीं डाल रही हूँ दोस्तों, बस काला ही नमक बस डालेंगे। देखिए दोस्तों, स्वाद अनुसार डालेंगे, ज्यादा भी नहीं डालेंगे। इतना पानी बहुत है दोस्तों, देखिए पानी रेडी हो गया है। अब आलू का जो भरता है, आलू का भरता को बना लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें अब धनिया कुछ भी नहीं डालूंगी मैं ज्यादा, अब प्याज काट के डाल देंगे।
क्योंकि मेरे घर के बच्चे लोग को आप लोगों को पता ही होगा, मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग, मेरे घर के बच्चे लोग ना ज्यादा तीखा नहीं खा पाता है। और ये जो मेरे पैर का जो मिर्ची है ना वो बहुत ही ज्यादा तीखा वाला है, पानी भी ऐसे तीखा रहेगा और मिर्ची भी मतलब आलू का चोखा भी तीखा रहेगा, तो इन लोग ज्यादा तीखा नहीं खा पाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों धनिया पत्ती भी डाल दिए हैं इसमें थोड़ा सा, और डाल देंगे काला नमक, ये चोखा बन जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अब पूरा बन गया है, एक ठो आप लोग को दिखाती हूँ कैसा बना। देखिए कितना आवाज आ रहा है, एकदम क्रांची बना है। और उसके बाद डाल रहे हैं थोड़ा सा आलू, एक ठो खा के बता दे रहे हैं। और बाकी को दोस्तों मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें चैलेंज रखूंगी मेरे बच्चे लोग के बीच में। देखिए खा के मैं आप लोग को बताती हूँ कैसे लग रहा है। मार्केट के गुपचुप फेल दोस्तों, बच्चे लोग खा के मेरा एकदम खुश हो जाएगा। थोड़ा तीखा बस ज्यादा हो गया है क्योंकि घर का मिर्ची है दोस्तों। आज का वीडियो यही खत्म कर रहे दोस्तों, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।